अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश वोकैबुलरी विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन फिक्रात को इस्तेमाल करने से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास सीरियस। सीरियस का मतलब होता है संजीदा या संगीन। आप संजीदा नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी सीरियस। आप संजीदा नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी सीरियस। मैं अपने काम के बारे में संजीदा हूँ, आई एम सीरियस अबाउट माई जॉब। मैं अपने काम के बारे में संजीदा I am serious about my job. मैं अपने काम के बारे में संजीदा हूँ। I am serious about my job. मैंने टेस्ट में एक संगीन गलती की है। I made a serious mistake on the test. मैंने टेस्ट में एक संगीन गलती की है। I made a serious mistake on the test. Mistake का मतलब होता है गलती। Next word है हमारे पास fine. फाइन का मतलब होता है ठीक। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। अगला बुध ठीक रहेगा, नेक्स्ट वेडनेसडे विल बी फाइन। अगला बुध ठीक रहेगा, नेक्स्ट वेडनेसडे विल बी फाइन। मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग फाइन नाउ। मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग फाइन नाउ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिगन। बिगन का मतलब होता है आगाज या शुरू करना या शुरू। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, कैन आई बिगन। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, कैन आई बिगन। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू बिगिन। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू बिगिन। कुछ शुरू हो रहा है, समथिंग इज बिगिनिंग। कुछ शुरू हो रहा है, समथिंग इज बिगिनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा या खुला। दरिया चौड़ा है, द रिवर इज वाइड। दरिया चौड़ा है, द रिवर इज वाइड। अपना मुंह चौड़ा खोलो या अपना मुंह खुला खोलो या अपना मुंह ज्यादा खोलो। ओपन योर माउथ वाइड। अपना मुंह चौड़ा खोलो, ओपन योर माउथ वाइड। ये कितना चौड़ा है, हाउ वाइड इज इट। ये कितना चौड़ा है, हाउ वाइड इज इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। मुझे इस किस्म के दबाव की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ प्रेशर। मुझे इस किस्म के दबाव की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ प्रेशर। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, काइंड का मतलब होता है किस्म। अली दबाव में है, अली इज अंडर प्रेशर। अली दबाव में है, अली इज अंडर प्रेशर। उसने उस पर नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डाला, शी प्रेशर्ड हिम टू क्विट हिज जॉब। उसने उस पर नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डाला, शी प्रेशर्ड हिम टू क्विट हिज जॉब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है आम। फर्स्ट सेंटेंस है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, Everything looks normal. आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, Everything is looking normal. खून का टेस्ट नॉर्मल है, द ब्लड टेस्ट इज नॉर्मल। खून का टेस्ट नॉर्मल है, द ब्लड टेस्ट इज नॉर्मल। मैं सिर्फ एक आम जिंदगी चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट अ नॉर्मल लाइफ। मैं सिर्फ एक आम जिंदगी चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट अ नॉर्मल लाइफ। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसीडर।
कंसिडर का मतलब होता है गौर करना, फिक्र करना या समझना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, समझो ये हो गया, कंसीडर इट डन। समझो ये हो गया, कंसीडर इट डन। मेरी दरख्वास्त पर गौर करें, कंसीडर माई रिक्वेस्ट। मेरी दरख्वास्त पर गौर करें, कंसीडर माई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है दरख्वास्त। मैं आपको दोस्त समझता हूँ, आई कंसीडर यू आर फ्रेंड। मैं आपको दोस्त समझता हूँ या मैं आपको दोस्त मानता हूँ, आई कंसीडर यू आर फ्रेंड, आई कंसीडर यू आर फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉर। नॉर का मतलब होता है ना ही। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं ना सिगरेट पीता हूँ और ना ही ड्रिंक पीता हूँ। आई नीदर स्मोक नॉर ड्रिंक। मैं ना सिगरेट पीता हूँ और ना ही ड्रिंक पीता हूँ। आई नीदर स्मोक नॉर ड्रिंक। वो ना देख सकता है ना सुन सकता है, ही कैन नॉट सी नॉर हियर। वो ना देख सकता है और ना ही सुन सकता है, ही कैन नॉट सी नॉर हियर। वो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, ही कैन नीदर रीड नॉर राइट। वो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, ही कैन नीदर रीड नॉर राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनकम। इनकम का मतलब होता है आमदनी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आपकी सालाना आमदनी क्या है? व्हाट इज योर एनुअल इनकम। आपकी सालाना आमदनी क्या है? व्हाट इज योर एनुअल इनकम। मैं अपनी मौजूदा आमदनी से मुतमइन हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई करंट इनकम। मैं अपनी मौजूदा आमदनी से मुतमइन हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई करंट इनकम। सेटिस्फाई का मतलब होता है मुतमइन, करंट का मतलब मौजूदा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी माकूल आमदनी है। ही हैज़ अ फेयर इनकम। उसकी माकूल आमदनी है। ही हैज़ अ फेयर इनकम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहें या जारी रहना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आइए जारी रखें, लेट्स कंटिन्यू। आइए जारी रखें, लेट्स कंटिन्यू। खुदाई जारी रखें, कंटिन्यू डिगिंग। खुदाई जारी रखें, कंटिन्यू डिगिंग। डिग का मतलब होता है खोदना या खुदाई करना। अगला सेंटेंस है हमारे पास, हम बाद में जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू लेटर। हम बाद में जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू लेटर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।